नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल खेतेश्वर टी कंपनी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो है, हमें दोस्तों एक पार्सल आया है जो कि द्वारका के पास से आया है और द्वारका में कैसी चाय चलती है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। बेसिकली गुजरात का ये वीडियो दोस्तों, गुजरात में चायों का अलग अलग पैटर्न चलता है, लेकिन फिर भी अगर कहें अगर क्वालिटी चाय कहीं पर बिकती है तो दोस्तों वह गुजरात में बिकती है। गुजरात में बात करें तो किसी जगह पर बहुत बारीक मान लीजिए कि दानेदार और पेड़ी बिकता है, तो कहीं पर पत्ती कट भी बिकता है। आगे भी हमारे पास द्वारका के कई सैंपल आए जिनमें हमने देखा कि वहां पर आसाम का चाय ज्यादा चलता है, डुआर्स का पैटर्न थोड़ा कम है और साथ ही साथ पत्ती कट चाय वहां पर चलता है। तो दोस्तों आज का जो हमें सैंपल लगाया है जिन्होंने इस सैंपल के अनुरूप चाय की डिमांड की, आप पास में आके इस चाय को देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये हमें सैंपल भेजा गया है जो कि ये सैंपल है। इस सैंपल को हमने खोल के जब देखा तो इसमें दोस्तों पीएफ का कटिंग ज्यादा देखने को मिल रहा है, एकदम ब्लैक जेड माल है और कुछ एक परसेंटेज के अंदर इसमें पीडी के अंश हो सकते हैं, लेकिन जनरली यह ओएफ और पीडी का ब्लेंड है। इस सैंपल को जब हमने बनाया तब इस तरह का ये चाय बना जो कि दोस्तों थोड़ा रेडी स्टोन लिए हुए था, बाकी ज्यादातर गोल्डन था, लेकिन ये पता नहीं क्यों रेडी स्टोन लिए हुए था और उसके कंपैरिजन में हमने ये सैंपल तैयार किया जो कि हमारा सैंपल है, ये कस्टमर का सैंपल है जो थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि काला पड़ जाए, लेकिन ये सैंपल काला नहीं पड़ेगा। इस तरह का दोस्तों हमने ये चाय बना के दिया है। तो अगर आप भी गुजरात के कस्टमर हैं, चाहते हैं चाय पत्ती का व्यापार करना, होटल का व्यवसाय करना, होटलों पे चाय बेचना, घरों में चाय बेचना, तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको देंगे बढ़िया से बढ़िया और बेटर चाय ताकि आप इस चाय के धंधे के अंदर कुछ तरक्की कर सके। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी और जानकारी के लिए धन्यवाद।